हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मेरा नाम है असीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। आज मैं आपको अली शाह के कैनल की अपडेट दे रहा हूं और ये सारे डॉग्स हमने साथ ही बांधे हुए हैं ताकि आपको एक ही फ्रेम में तमाम डॉग्स नज़र आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप मज़ीद किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। तो आइए बगैर किसी डिले के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नडीन को आवाज़ मारो। जी अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम अस्सलाम अजीब भाई, कैसे हैं? जी अजीब भाई, आपकी दुआएं हैं। अच्छा अलीशा, मैं आज अजीब भाई आज आपको अपने कुछ डॉग दिखाने लगा। आज ये देखें लाइन से बनने कैसा व्यू आ रहा है माशाल्लाह। ए बॉश अच्छा अजीब भाई, जैसे कि ये आपको तो पता ही है सैंडी है, ठीक है। ये सबसे पुराना डॉग है मेरा और ये फीमेल है। ये बेसिकली शो लाइन में नहीं, ये वर्किंग लाइन में आ जाती है और ये बहुत बड़े साइज़ की फ़ीमेल है। मतलब अमूमन शो लाइन मेल जितने होते हैं जितनी फीमेल है मेरी, बट ये वर्किंग लाइन है, ठीक है। सिर्फ इसकी ब्रीडिंग कैपेसिटी होती है और ये इसको आप शो वगैरह में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिस तरह के आप मतलब शो में मतलब जो अमूमन रिंग में डॉग्स जो यूज़ होते हैं जिनको पीछे से बैंड होता है, ठीक है, ये उस टाइप की नहीं है, ठीक है। हाँ, ये गार्डिंग पर्पज़ के लिए बहुत बेस्ट है, उस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर। इनकी दूसरा देखा जाए ना, ब्रीडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, ये ज़रा अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे उतार सकती हैं अगर आप इनको शो लें अच्छे डॉग से। हाँ, ब्रीडिंग कैपेसिटी जैसे कि ये अच्छे बच्चे उतार सकती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ लीटर ज़्यादा डिलीवर कर सकती हैं, ठीक है, और इनका ये सीन होता है। एज 5 साल के करीब है ये ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी कैपेबिलिटी। हाँ, शो लाइन के बिल्कुल ऐसे ही है इनकी, चूँकि वर्किंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और लिहाज से भी ये गुड रहते हैं। अजीब भाई, जैसा कि आपने पूछा है कि ब्रीडिंग के वाले थे, तो फीस भाई इसको पहले मैं एक दफ़ा ब्रीड करवा चुका हूँ, ठीक है, इसने 8 बच्चे उतारे थे, उसके बाद अमूमन 3-4 दफ़ा दोबारा करवाया, बट वो हुआ ये कि ये ना मतलब 2 दफ़ा तो डॉग का इशू आया, ठीक है, 3री दफ़ा मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि 2 दफ़ा जिस डॉग से मेट करवाया था ना उस डॉग का कोई अभी तक मार्केट में कोई बच्चा मैंने देखा नहीं है। डॉग की तरह से चूँकि अगर फीमेल में इशू होता ना तो जिसने 8 बच्चे उतारे वो बिना साथ थी। नेक्स्ट डॉग फिर आपको पता है अपने कहने का किंग, अपना शहजादा, अपना सिम्बा, तो आए इधर उसकी तरह चलते हैं। ये जी सिम्बा, सिट डाउन बॉय, सिट डाउन, इसको बुलाओ जरा, ए बॉय सिट डाउन। ये जी असीब भाई, ये हमारा सिम्बा, ठीक है, बॉय स्टैंड अप। बस ये भाई, वो अभी ये एज उसकी तो ये बड़ा करेगा क्योंकि 2-2.5 साल तक कुत्ता बढ़ता है। सिट डाउन बॉय। अजीब भाई, ये 17 मंथ्स का हो गया है, ठीक है, खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, अब तक किसी डिजीज ने इस पर अटैक नहीं किया, ठीक है, और मज़े की बात ये है कि अपना मेरा कन्फर्म शर्ट भी है, कन्फर्म शर्ट है, लास्ट टाइम आपने वीडियो लगाई थी जी, उनका फायर ही था। अजीब भाई, जैसा कि आपने पूछा है रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। एक इसने फर्स्ट टाइम एक फीमेल से मेट किया, ठीक है, उसमें एक ब्लैक पपी आया था जो कि बहुत अच्छा पप था, ठीक है, वो उसने फुल ब्लैक पपी मारा था और उसका ब्लैक कलर भी ऐसा था कि जैसे शाइन वाला कोट नहीं होता पपी का, वो था और बहुत प्यारा बच्चे का कलर था और बच्चे का हेड स्ट्रक्चर भी, बोन स्ट्रक्चर बहुत प्यारा था, मतलब यूनिक था बच्चा वो, बट उस पर थोड़ा सा इशू आ गया जिसकी वजह से बच्चा आ नहीं सका मेरे पास जी। वैसे मतलब कि आपको एक कंफर्मेशन हो गई, ये कंफर्मेशन हो गई चूँकि बड़े लोगों ने इसके बारे में बात फैलाई भी हुई थी मार्केट में कि ये ब्रीड नहीं कर रहा। अब आपको पता है जो अच्छी चीज़ होती है उसके फिर हेटर्स भी होते हैं, ठीक है ना, हेटर्स गोना हेट,
हसीब भाई, जैसे कि आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं अमूमन, मेरी आपके साथ तकरीबन 7वीं 8वीं वीडियो है, तो हमेशा हमारी यही बात होती है कि वैक्सीनेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाएं तो डॉग घर में रखें, अदरवाइज आपको वैक्सीनेशन ही ना करवा सकते तो भाई फिर आप डॉग भी ना रखें, जो मेन बात है। ठीक है, अब अगर जितनी मर्जी सफाई सुथराई आपके घर में, ठीक है, सफाई सुथराई मैटर नहीं करती है, जब एक छोटा पपी है उसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है ना, बड़े डॉग में उन पर डिजीज अटैक करती है, उन पर नहीं है, मगर उनमें जम्प्स होते हैं ना उस चीज़ के, अब वो शीट वगैरह कर रहे हैं उस चीज़ के भी जम्प्स पैदा होते हैं, तो वो छोटा बच्चा तो उनसे वो कर जाएगा ना। अब जाहिर बात है उसकी इम्यूनिटी लेवल कम है, ठीक है, उस पर जो है वो जम्प ज़्यादा जल्दी अटैक करेंगे, डिजीज़ ज़्यादा जल्दी अटैक करेंगे, तो वैक्सीनेशन जो है तो वो थोड़ी सी इस चीज़ में हेल्प करती है। बाकी बात है, मगर आप ये देखें कि वैक्सीनेशन करवा के भी डॉग को पार्व हो जाता है, ठीक है, वो बस उसका फिर एक ही हल है, आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ठीक है, दिन में तकरीबन दो दफ़ा नहीं तो एक दफ़ा तो नो बॉय दो दफ़ा नहीं तो कम से कम एक दफ़ा ना आप अपनी छत को लाजमी आप वॉश करें। ठीक है, हाँ, दो दफ़ा आप फेरनाइल से नहीं भी वॉश कर सकते, कम से कम आप दिन में एक दफ़ा कर लें। ठीक है, तो ये लाजमी करें। नेक्स्ट डॉग अपना हम आपको सबसे स्पेशल, ठीक है, जो हमारी मतलब मेरी ब्रीडिंग की स्पेशलिटी है हमेशा रहती है, जो अब तक तकरीबन 2 से 3 पप मेरी फीमेल से डिलीवर हो चुके हैं इस कलर के, ये ट्राई पप है, ये आपके सामने है। अच्छा, ठीक है, ये जी 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 हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही भाई, आपको पता है टाइम के साथ साथ ही है। ठीक है, अब उसकी एज है डेवलपमेंट की, तो वो अब डेवलप हो रही है। जी 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 ठीक भाई, यही तो उसकी स्पेशलिटी है, बस यही चीज़ हमें भा जाती है इसकी देख के, जिसकी वजह से हमें इसे प्यार है। जी बिल्कुल रफीब भाई, ये प्रॉपर ट्राई कलर जिसको कहते हैं हम, ठीक है, ये अब यहाँ वाइट कलर की बात है, ये देख सकते हैं आप है। चेस्ट पे वाइट कलर भी है इसके, और बिल्कुल ऐसे ही है ब्लैक। बेसिकली रफीब भाई, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, सिर्फ ट्राई कलर इसी को नहीं कहते हम, हाँ जहाँ 3 कलर आ गए, वो ब्राउन आ गया, ब्लैक आ गया, ग्रे आ गया, जैसा भी आ गया, अब कुछ लाइलैक ट्राई भी आ जाता है, लाइलैक ट्राई थोड़ा चैम्पियन सा कलर होता है, वो बड़ा प्यारा कलर होता है वो भी, ठीक है, बट जो कॉमन ट्राई जैसे कहते हैं ना, हालांकि ये भी बहुत कम है पाकिस्तान में लोगों के पास, बट ये ट्राई में कॉमन ट्राई आता है। ठीक है, इसके बाद ब्लू ट्राई आ जाता है, फिर लाइलैक ट्राई द मोस्ट फेयर कलर, वन ऑफ द मोस्ट फेयर कलर, वो तो बहुत कम है, वो कराची में हमारे कहें सरमद भाई, ठीक है, उनके मैंने प्रोड्यूस किया था। सरमद भाई वन ऑफ द टॉप लीडर ऑफ ट्राई कलर, ग्रेट बंदे हैं सरमद भाई, सरमद भाई ये आपके सरमद भाई अपने लव है। इसके बाद जी जिसकी बदौलत सब कुछ है, ठीक है, जिसकी बदौलत मैं आज ये पहुँचाऊँ, ठीक है, यहाँ तक ब्रीडिंग में इतना नाम कमाया, ठीक है, मतलब मेरी मतलब कह लें मेरे कैनल की क्वीन, ठीक है, जिसकी बदौलत मुझे ये मिला, सिम्बा मिला, और जो बाकी मेरे डॉग्स हैं वो मैं आपको दिखाने लगा। डाउन लूसी, ये हसीब भाई मेरी टॉप ब्रीडर फीमेल, पाकिस्तान की टॉप ब्रीडर फीमेल जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने है इसका ब्रीडिंग रिजल्ट क्या, ठीक है, आपने इसके बच्चे काफ़ी देखे भी हुए हैं। हाँ व्यूअर्स को बताएं तो इसके कम से कम ना ये 35 से ऊपर बच्चे डिलीवर कर चुकी है अब तक जी, और कम से कम सेंचुरी तो इससे हमने पूरी करवानी है। बट ये मजाक था, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ब्रीडिंग चली है, जो टॉप ब्रीडिंग हमारी चली है, और जिन बच्चों ने नहीं डाली मैं कहता हूँ वो इसमें से मैंने ब्रीड करवाए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके जो बाकी बच्चे हैं उनकी भी वीडियो हम शो करवाएंगे इस चैनल से, ठीक है। ये अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है, बस दुआ करें, नो फिर भी अभी भी एक्सपेक्टेड है ये, तो कमिंग सून इसके पपीज भी हम दिखाएंगे जैसे कि लास्ट टाइम दिखाए थे। ये असीब असीब भाई 3.5 की हो गई है, 3.5 की हो गई है, सबसे नहीं सबसे पुराना शेपर्ड, सबसे पुराना शेपर्ड के बाद ये आई थी मेरे पास, ठीक है, तो देन उससे फिर फर्दर मैंने आगे शुरू किया था। हाँ ऐसे ही है, बस शेपर्ड और उसको साथ नहीं बांध सकते, वो फिर थोड़ा मसला हो जाता है, हालांकि रही बचपन से वो भी साथ साथ ही हैं,
मगर वो बाद में पता नहीं उनका क्या आपस में मामला तो है। सी भाई बिल्कुल हैं, हमारे पास कुछ पपीज अवेलेबल हैं और उसके अलावा बड़ी डॉग ब्रीडर फीमेल्स भी हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में दिखाएंगे। जी सी भाई बिल्कुल, वो भी बुली पिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आसिफ भाई जो बात है उसको मेडिकेट करना आना चाहिए। आसिफ भाई बिल्कुल आपकी ये बात पिटबुल्स और बुली पिट्स वाली बिल्कुल ठीक है और आपने बिल्कुल ठीक बोला। जी देखें बात मेन पता है क्या है, मेरे पास कभी कोई पपी लेने भी आए ना तो मैं उसको बता के भेजता हूँ कि भाई अमेरिकन बुली एंड पिटबुल डिफरेंट चीज़ है। हमारे पास जो है ये अमेरिकन बुली और पिटबुल का मतलब कह रहे हैं मिक्सचर है, मतलब कह सकते हैं कि ये उनका क्रॉस में है। ये अमेरिकन बुली की भी लुक मारते हैं भाई, ये पिटबुल की भी लुक मारते हैं, ठीक है। प्योर अमेरिकन बुली या प्योर पिटबुल आपको बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है, ठीक है ना। आसिफ भाई अभी वीडियो एंड करने से पहले ना जरा आपको अपने चैनल की तरफ थोड़ा सा रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको जरा एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ फिर उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। ये देखें जी आसिफ भाई, ये सिम्बा की, इसका साइड सिम्बा डैम जो है कार्मा, जिसकी लास्ट आपने जो पपीज दिखाए होंगे, ठीक है ना, थ्री पप्स, ये उनमें से एक पप। हाँ वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, इसकी मदर भी देख सकते हैं, उसमें इसकी मदर का भी प्रॉपर हमने दिखाया है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये उनमें से एक पपी है जो कि मैंने स्टार्ट पपी उठाई थी, ये जी आसिफ भाई बेसिकली ये है फीमेल। हाँ जी, तो ये सिम्बा की जो है डॉटर है ये, ठीक है। कलर माँ जो माँ बाप का दोनों का सेम था कलर, तो वो बट ये क्या कहते हैं फुर्तियों के हिसाब से तो मुझे माँ पे लगती है, जो कि बाप आपको पता है बिल्कुल शरीफ है, वो तो भोला है बहुत ज़्यादा, ये शरारती है बहुत ज़्यादा, आंखों में भी अभी छोड़ा था नोच जाना है। और ये पब फॉर सेल भी है, ठीक है, तो अगर कोई मेरा भाई मेरे से रब्ता करता है लेने के लिए तो वो हसीबे के थ्रू या चैनल के थ्रू मेरे से रब्ता करे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दे, मुझे बता दे कि भाई हमने एस पंजाब के तहत से रब्ता किया तो भाई आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, चाय मिलेगी साथ बोतल मिलेगी, बिरयानी भी आपको पूछेंगे, ठीक है ना, बट बशर्त ये आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ये थी हमारी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, ओके।